Super 8. Masala Mingle, I'm Amrita Raichund, and you're watching me on Amrita Raichund, Chef and Beyond, and listening to radio. Of course. Amrita. You don't know. अपने को खाना है बनाना. Thank you very much. What a well. अच्छा ट्राई था. राय तो अच्छा था. देखो बहन, अभी you have started acting. तो मैंने सोचा मैं रेडियो में ट्राई कर लेती हूं. एब्सोल्युटली. मैं तो कहती हूं मोर द मेरियर. आई ऑलवेज बिलीव इन पीपल नॉट स्टिकिंग टू देयर ओन लेन्स. डोंट स्टे इन योर लेन. डू व्हाटएवर यू फील लाइक. डू मोर. या डू मोर. इन आवर केस मोर इज मोर. मोर आल्सो. हेलो, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग. आई कीप टेलिंग पीपल आई कैन बर्न वाटर. And today I am going to be cooking, and that too straight up. इतनी बड़ी चीज़ थी मछली मैया कैसी हो. I mean, you know, कि पूरी हिस्ट्री मैं आपको दूंगी. इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. But just for those of you who don't listen to radio, let me introduce this wonderful Mallishka, our very own Mumbai ki Rani. Oh yeah, that one. I love that name. I gave it to myself. I feel like I'm not sure. But guys, हम तो आज बहुत cooking करेंगे. But before we go any further, ma'am is now an actor and बहुत ही कमाल की शो लॉन्च हुई है. It's called Freedom at Midnight. On Sony Live, and it's based on the book Freedom at Midnight, which is about our partition and our history. And I think you should watch it. Also, I'm playing Sarojini Naidu. Yeah, वही बोलने वाली थी. अपने कैरेक्टर का नाम तो बोलो. Mallishka, Mumbai की रानी, and then we have Sarojini Naidu, and I'm so excited to watch you, sweetheart. I think you must have done a great job. And आज क्या बन रहा है? आज बहुत स्पेशल डे है. आज 25th ऑफ नवंबर जो है मेरी मम्मी का बर्थडे है. कल 26th ऑफ नवंबर जो है मैम का बर्थडे है. तो हम दोनों साथ मिलकर बर्थडे मिंगल करेंगे. बट द रीजन आल्सो इज अमृता. आई कम. आई एम ऑफ कोर्स ऑलवेज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. लिव्ड इन मुंबई फॉर एवर, बट रूट्स आर मैंगलोरियन. ओके, सो माई ऑब्वियसली माई फैमिली इज फ्रॉम मैंगलोर. मम डैड बोथ. एंड सो ओवर द ईयर्स द फूड दैट हैज बीन कुक्ड इन आवर हाउस हैज बीन प्राइमरली मैंगलोरियन फूड. लॉट्स ऑफ कोकोनट हैपेंस इन मैंगलोरियन फूड एज यू नो. और जब भी मैं फिश को ना बहुत ऐसे लिया करती थी हल्के में. फर्स्ट एज अ बचपन में मुझे फिश पसंद नहीं था. एंड देन एज आई ग्रो अप माई फ्रेंड्स वुड बी लाइक इज योर मम मेकिंग मैंगी करी. आई एम लाइक व्हाट इज द बिग डील. आई हेटेड इट. एंड देन आई ग्रू टू अप्रिशिएट इट. सो आई लव द फिश करी दैट माई मम मेक्स. एंड मैं हिम्मत कर रही हूँ टूडे विथ यू बिकॉज लुक एट दीज मैजिक हैंड्स व्हाट ऑल दे कैन डू. सो आई एम ट्राइंग ऑन माई मदर्स बर्थडे टू मेक हर रेसिपी विच शी गेव मी विद अ लॉट ऑफ ट्रेपिडेशन. क्योंकि उसको माई मदर सेज एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट नाउ. सो आई सेड बट माँ का प्यार. सो देन शी गेव मी द होल रेसिपी. बट टूडे ऑन द 25th ऑफ नवंबर आई एम ट्राइंग टू डू दिस विथ यू. दिस ध्यान में है अ वुमन हु कैन बर्न वाटर. नहीं, कोई टैलेंट नहीं है इस किचन में. कुछ बर्न नहीं होगा. हमने सोचा था कि आई विल स्टार्ट, बट मुझे लगता है कि इनकी मदर के बर्थडे के दिन वी शुड डेफिनेटली गिव हर दैट tribute. Yeah, and yeah. You should literally cook. No. I will make sure that you make the most amazing Mangalorean fish curry. Don't be scared. Yeah, do you know this is the first time I will be touching raw fish. Achha, you don't touch it if you don't want to. No, I'll touch it. Nahin, I want to touch it. You want to touch it. Main tumhare show mein kyun aayi hoon? Taaki aaj se main apne ghar pe khana bana sakun. Okay, so before we begin, once again for all of you, Mangalorean fish curry. Let's start with the main Mangalorean masala. Yes. Okay, which is the base, which is the heart, which is the foundation of this recipe. And I had a little word with her, very sweet mom. वो बोल रही थी बेटा मैं एक portion बना के भेज दूँ. And she's actually not well. Yeah. And we're like no, we'll do it, don't worry. Let's go through this jeera, मिर्ची powder थोड़ा powder. This तो is the काला रंग का है. मीरी, we call it काली मीरी. काली मीरी, correct. Very good, I'm impressed. लसन, the हल्दी and 1 teaspoon राय. I don't think one everyone... teaspoon ने. No, one pinch राय. धनिया, very good, अच्छा धनिया. And of course half, depending on how much. ये अभी हम ये पूरा डाल रहे हैं हमने क्योंकि डबल कर दिया quantity. मेरी मम्मी के quantity को हमने डबल कर दिया. तो you need one कांदा, which is सारे ingredients, सारा description, सब कुछ detail में आपको description में मिल जाएगा. So do not worry. और ये इमली you need one marble size. She kept marble size. So now 2 marble size. Yeah. Okay, and यहाँ जीरा already हो गया. तो अब क्या करेंगे, कम या 1, 2, 3 and ये गुड जॉब अमृता. ये इतना पिसा हुआ है. यस, मेरी मम्मी ने बोला था पीसो इसको मोटा. बिल्कुल ये पीसो. ठीक है, तो हमारा मसाला रेडी है. अब फिश को हम क्या करेंगे? अब फिश को हम हाथ लगाएंगे. सो वी नीड हल्दी एंड नमक फॉर दिस. ओके, बिकॉज़ वी आर गोना काइंड ऑफ
douse the fish in this. So it's not like I've never cooked, okay? Haan. I used to make cake, I could make a meal dal. Chai to main itni achhi bana leti hu beta. Agar ghar pe aao to matlab bahurani main hi banungi. Haan. Achha, itni achhi chai banati hu. Haan, bahut achhi chai wagera. Bas, 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 bas. Ab isko pehle thoda sa spread karenge. I think I will be a very good cook, Amrita, if I think about it. Agar main karu na. Because, you know, what I liked is your approach. Agar aap cooking ko ek... पूजा की तरह करेंगे मतलब यू रिस्पेक्ट द आर्ट ऑफ कुकिंग एंड आई थिंक जिसमें वो बात है वो उसके अंदर ही है आई थिंक आई रिस्पेक्ट इट सो मच कि आपको चार दिन बाद खाना मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होगा आई थिंक यू हैव इट इन योर मलिश्का जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ सो नाउ द फिश इज मैरिनेटेड एंड डाउज्ड इन अ लॉट ऑफ हल्दी एंड सॉल्ट ओके नाउ एक्साइटेड सब लोग बगार नहीं करते फिश करी को मगर हम करते हैं तो सिंस ये मेरी मम्मी का रेसिपी है हम बगार करेंगे एंड आई थिंक इट्स अ मच बेटर ऑप्शन बिकॉज वो एक्स्ट्रा थोड़ा कैरमलाइज प्याज होता है ना उसका जो फ्लेवर आता है वो कुछ और ही होता है सही कहा चक्रम अब तू बोला और मैं चला तो हम इसमें तेल डालेंगे माय मदर सेड शी प्रेफर्स कोकोनट ऑयल बिकॉज बेंगलोरियन बट यू कैन यूज एनी ऑयल अब इस तेल को भी अच्छे से गरम होना चाहिए बिफोर यू ऐड द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स वरना वो सिजल नहीं आएगा वो यू नो करेक्ट यू वोंट गेट दैट इफेक्ट ऑन द इंग्रेडिएंट्स दैट यू वांट आई एम रियली नॉट गुड एट कुकिंग एट लीस्ट नॉट सो फार बट आई नो व्हाट आई एम गुड एट आई डू दोस थिंग्स एंड आई एंजॉय डूइंग दोस थिंग्स लाइक एक्टिंग इज द अदर थिंग आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट And like you will see in Freedom at Midnight, if you watch it now, because it just released over the weekend. I can't. I'm binge watch karne wali hun. And when I do something new, I surrender myself like a student. Like, look at me right now. Do you see me tokoing you? Though I don't know whether we should put onion first or this first. You can put either first. But I just, you know, because the onion ki quantity zyada hai. And we want it to be thoda sa caramelized. I remember auntie saying ki brown nahi karna hai. Nahi. So you know what, when my mother used to cook, what I used to do, you won't believe I'm such a nut. So I would stand behind her and pretend that I'm doing a cooking show. But I would do it in the voice of Shehnaz. So Sen, do you remember Shehnaz? Of course, Shehnaz. Kajal wali na? No, and she was like a mogul of, of course. Makeup and everything. Exactly. And she would speak, Kajal wali. She would sit a certain way and she would speak in this growl. So like, I would go say, suppose this is my mother, you. Okay. So I'd come behind her and be like, ab dekhi, dheere se karcha hilaya ja raha hai. और धीरे धीरे जो है अनियन के साथ साथ मेरी माँ पिंक कलर की होती जा रही है शनाजी आई लव यू आई लव शनाजी एंड आई वुड जस्ट क्रीप अप ऑन हर एंड लाइक इट वाज क्वाइट बिकॉज़ आई वाज लाइक मेरे को कुकिंग नहीं करनी मगर जो कुक करना है उसको एंटरटेन तो कर ही सकते हैं स्वीट अच्छा आपके ये जो प्याज है ट्रांसलूसेंट हो गए अभी ये इसको एकदम ब्राउन कर देंगे ना तो ब्रिस्ता बन जाएगा जो आप अपनी बिरयानी पुलाव के ऊपर डालते हो तो अभी आपको ना इसमें क्या चाहिए बोलो मिर्ची चाहिए मिर्ची चाहिए पर लंबा कटा हुआ हाँ लंबा मेरी मम्मी ने कहा लंबा काटना है हाँ भाई मम्मी के सामने मम्मी का मैजिक चलो करी लीव्स नाउ देन जिंजर आई थिंक ओके डाल दूँ डाल एंड नाउ दिस इज नॉट द वे टू हाँ हम पेन नहीं से लिख रहे हैं मैं हैरी पॉटर हूँ ये इसके 50 रुपए कटेंगे नया शो तो देखना ही देखना है कि नहीं Yeah, you will not believe it's not the same person because I'm playing Sarojini Naidu yes. and it's a little more controlled. नहीं और मैंने आपके वो मतलब I saw the way they have made you look. Yes. I mean you are really looking the part. Thank I you. Actually went googled saw her face and said man. Yeah. And you know when I was listening to you कि आप बातें कर रहे थे कि Sarojini Naidu का character कैसा है. I think you fit the bill so beautifully. And but that's what Nikhil Advani also said. You're inspired casting. क्योंकि तुम असली ज़िंदगी में disruptor हो और वो भी थी. और मैं खाने को डिसरप्ट नहीं करना चाह रही हूँ इसीलिए मैं हूँ ना उसके लिए सो देन आफ्टर दैट शी सेड अ होल डंडा स्प्रिग ऑफ स्प्रिग आई नो माय इंग्लिश इट्स जस्ट द कुकिंग स्टेम स्प्रिग एनीथिंग यू कैन से डोंट वरी स्प्रिग ऑफ करी लीव मम्मी आपकी बेटी ये रेसिपी बना रही है
वो नमक के लिए करते हैं। I know, but come on now, we can't copy him exactly. You have to. Salt, salt credit देना पड़ेगा ना। और थोड़ा डालते हैं, because mummy had said a lot. A lot, huh? Yeah. We also like our curry leaves a lot because it's so flavorful. So, बड़ी अच्छी खुशबू already आ रही है। It smells so good. We forgot to tell you how good it smells. Yeah. अबे चलो, let's go in with the tomatoes. It's so sweet, हाँ ये बोलिए मेरी मम्मी ने ये रेसिपी दी है मैं ये रेसिपी उनको डेडिकेट करूंगी तो मैं खुद बनाऊंगी कुछ जल गया तो तुम ले लेना क्रेडिट नहीं नहीं अच्छा भी बना तो तुम्हें ही दूंगी बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम अच्छा बना तो सिर्फ मलिश्का ने बनाया अगर बुरा बना तो मम्मी इट्स माय फॉल्ट आई ऑलवेज थॉट मेकिंग फिश इज सो टफ Just the process of it मुझे बहुत डराता है। नहीं, actually you know fish सबसे आसान है बनाना, because fish को पकने में इतना कम time लगता है। तो जो आप जो भी time लगेगा ना वो उसकी curry को ही बनाने में लगेगा। And वो भी literally 10-15 minutes। The smells and looks so good that I think you should get a closer take। आजा 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 नजदीक आओ नजदीक आओ देखो देखो। See how beautiful it is। It's looking so pretty ना। Now that I've done my favorite job for the last 5 minutes or so, which is chamach hilana ya kalcha hilana, like I was as a kid, I think it is time to put in the masala. Yes, but I want to show you one thing, Malishka. आप देख रहे हो कैसे ये अब oil bubble कर रहा है literally. जो oil का character था जब आपने ये सारी बघार की चीजें डाली थी, जैसे वो दिख रहा था, और अब कैसा दिख रहा है? Character ढीला है. देखो क्या पीसा है ना कितना कुक करोगी आप अमृता यू डन इट ऑन टीवी फॉर अस फॉर सो मेनी इयर्स मैंने कोई और आया और कुछ पकाया मैं गप्पे मारूं थोड़ा डांस वांस करूं आई अग्री यू प्लीज डांस टुडे यू कैन बी द रेडियो जॉकी आई विल बी द शैम अब देखिए मसाला कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर देखिए हाँ इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इसके अंदर जो इंग्रीडियंट्स है इसको देखिए मम्मी आप खुश हो जाएंगी ये देखकर अब इसको हम 5 मिनट तक पकने देते हैं उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे उससे पहले नहीं I don't know why she said it. Nice, well done, no? Very well done. Looks like I know. My job is in danger. Okay, सुनो, your mom had particularly said one thing कि जो भी मसाला मिक्सर ग्राइंडर में बच जाए वो हमेशा this is for people who are new to cooking like Manishka. तो make sure कि ये सारा मसाला इसको अच्छे से हाँ। I loved this tip. Like you know, no matter how frou-frou your cooking gets, these are basics that remind you कि हाँ। तो ये जो cook करता है ना मलिश्का ये it comes automatically to them. But lot of people don't realize कि जो ज़्यादा cooking नहीं करते हैं उनके लिए ये सब जानना छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है. Like lot of people say आप तो इतने detail में जाते हो, madam हमें आता है ये सब cooking करना. मैं कहा भाई आपके साथ और भी ऐसे लोग हैं जिनको शायद नहीं आता. So I like to make sure कि एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आप वो रेसिपी पक्का अच्छे से बना सकते करें ठीक है चलो इसमें नमक डालना है हमने नमक डालेंगे और फिर पानी उतना डालना है जितना अपने को करी थी ग्रेवी चाहिए करेक्ट तो लेट्स ऐड द वाटर इज हियर सो आई विल स्टार्ट एडिंग एंड आई विल कीप स्टिरिंग थोड़ा सा पहले मिलाएंगे देन अगेन वी विल ऐड सम मोर वाटर And we'll understand the thickness. Stirring is I can be like a shahi stirrer होते थे ना मतलब मैं ऐसे शाही कुक की तरह I can stir like very well. Yeah, you are a pro stirrer. Pro stirrer. जी थोड़ा और पानी मिले. See, I'm going into that mode again. We need to put salt in this. Yes, we will. अभी हम इसमें नमक डालेंगे. इसके पहले भी डाल सकते थे मगर पर हम पानी के शॉट में एक्साइटेड हो गए ये इसको सारे साइड्स को मैं क्लीन कर देती हूं प्लीज अब हम कुकिंग शो करते हैं सो लेट मी टेल यू अबाउट हर व्हाइल शी इज डूइंग दिस इतनी ओसीडी है ना शी इज लाइक लेट मी जस्ट क्लीन द साइड ऑफ द कप और साइड ऑफ द कप में क्या है चाय जो वैसे भी शी इज लाइक नो नो लेट मी क्लीन द साइड ऑफ दिस व्हाट वाज दैट चूड़ा सो स्वीट बट दैट्स ग्रेट यू आर ऑल इनटू हाइजीन एंड क्लीनलीनेस व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई थिंक मेरे को आई कांट अंडरस्टैंड गंदगी एंड लाइक यू नो
You have to be hygienic. Cooking is so much ibadat that I think that's the reason I'm not doing it. Not because I'm unclean, guys. I'm super clean. I'm very OCD about washing. It needs a lot of patience. It needs patience. It needs time. And all my time and patience goes in saying, what agla main kaun sa ye karungi? What will I do next creatively in the world? Even if that's like doing diamond paint. You know, they always say namak swad anusar. How on earth are you ever going to know what is your swad? So I think the only way is to dalo chakho, dalo chakho, dalo chakho. That is the best chakho way. Itna ki khana khatam ho jaye. Dalo. See, I think this one spoon to. Spoon se dalti nahi hun, na mujhe mummy ne kabhi sikhaya, meri mummy to. Main to fir main haath se. Main kar lu? Nahi, mujhe sikhao bhi na. Nahi, but ye to experience se aayega. Haath se tum nahi karo. Mummy ne kitna bola spoon dalne? She said, andaz. Dekha? To chalo. Tum spoon se dalo, abhi tumne jitna dala, waise do baar aur dal do. That was, oh Lord, it's not. Nahi, nahi, kam hoga. Abhi bhi kam hoga. Dal do thoda sa. Itna nahi. उसका मैंने बोला सेम हाँ थोड़ा कम थोड़ा भाई कम। नमक के लिए वॉर्स लड़े बस, गए बस 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 वाओ मम्मा एंड आई लाइक दिस थोड़ा सा जो आंटी का था ना कि थोड़ा बगाड़ लगाओ हाँ यू कैन सी लिटिल कैरेक्टर आ गया ग्रेवी में है ना कैरेक्टर ढीला नहीं है My mom to always says ke under salt raha to theek hai better over salt hai ha. but you know but you can do things for both things na yeah, batata and all that ha but aloo हमारी फोटोज हो गई हाँ हमने काफी अच्छे अच्छे फोटोज लिए है हमारी करी 5 मिनट तक उबल गई है बहुत ही अच्छी हो गई है अभी हमने थोड़ी सी सीजनिंग एडजस्ट की है बट आई वॉन्ट टू डू द फाइनल सीजनिंग एडजस्टमेंट ओनली इन द एंड बिकॉज ये फिश में भी you know अपना नमक है वैसे that will be your magic actually. That will be no that will be our love which will show in the gravy ये जो हमने पहले वाला मैरिनेशन किया था उसके बाद ये फिश हमने धो दिया है correct which is why you see less of the now we will धीरे धीरे छोड़ो the fish in the water correct not water fish in the water quite literally चलो धीरे से हाँ don't burn yourself again हाँ so McLaurin food ना मुझे mom makes a lot of different kind of things matlab not every day there is one thing called patrade that she makes only during the monsoon ha patrade kyunki patrade 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 okay mere ko bol rahi ho iska I told you to mere andar aa gaya no singing even the radio jockeys don't sing on the radio I mean sing I but control myself matlab patrade is made of aloo leaves and rice flour अच्छा अभी इसको ना स्पैचुला से हिलाना नहीं है नो आई एम जस्ट टर्निंग इट बिकॉज़ वी कैन एट दिस वी नीड टू काइंड ऑफ जस्ट पुट इट इन तो जब कच्चा है तो इट्स स्टिल स्टेबल जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा पकने लगेगा इट विल नॉट बी सो स्टेबल दैट आई विल लीव अप टू यू क्योंकि ये भी मेरी मम्मी ने कहा देखो यू कांट टच अ स्पून टू इट आफ्टर दिस यू हैव टू तो वो तो मैं एक्सपर्ट को करी में ऐसे ऐसे नहीं होता फिर कैसे ऐसे होता है वो टॉसिंग होता है जब स्टर फ्राई होता है जब Oh God. So can we toss it? और by the way अगर आपको मुंडी और टेल नहीं चाहिए तो आप अवॉइड कर सकते हैं ये सिर्फ टेल खाती है मुंडी से नहीं पसंद है बट मुंडी जो है उससे बहुत फ्लेवर आता है तो आई वुड हाईली रेकमेंड दुनिया का भेजा खा जाती हूँ फिश की मुंडी नहीं आई वाज वेटिंग फॉर दैट एक्चुअली हाँ लेकिन जरूर उसे अंदर डालिए जस्ट फॉर द फ्लेवर यू डोंट नीड टू सर्व इट और हैव इट बट डोंट मिस एडिंग माय मदर थिंक्स आई एम मिसिंग शी इज लाइक योर Whatever, like you have to eat the head. So if my friends come, who like, yeah, हर दिन सर खाते हैं। खाऊंगी ना मम्मी। So my friends who come and enjoy the mundi of the fish, my mother loves them. She's like, you know how it is. I also love it. Another thing is कि fish, like I mentioned right in the beginning, बड़ी जल्दी पक जाता है। 3 से 4 मिनटों में ये पक जाएगा। So this is the most important part. And जो लोग fish बनाने से डरते हैं, वो 90% इसलिए डरते हैं कि कई बार ना fish रबरी हो जाता है, overcook हो जाता है, and that is a problem. 5 मिनट हो गए एंड ट्रस्ट मी योर फिश इज ब्यूटिफुली रेडी आई वॉन्ट यू टू धीरे से लिफ्ट इट्स अ पोएम इट्स अ सॉन्ग आफ्टर ऑल आशीर्वाद नहीं लेना है उसका आरती नहीं अरे पहली बार बना रही हूं मैं फिश करी मैं लूंगी ऐसे करो ऐसे करो मैं लूंगी वेरी स्ट्रेंज थ्योरीज अबाउट दीस थिंग्स आर वी गोना टेस्ट दिस टेस्ट इट अब हम प्लेट करेंगे एंड हम चावल के साथ बकायदा हाथों से इसे खाएंगे आप क्या करेंगे
What should they do, Malishka? Wash your hands. No? Okay, no, sorry. You should like and share. Oh, yeah, that's what... But you should also wash your hands. When you cook, you wash your hands. But when you watch, you like, share and subscribe. She's amazing. I mean, look at what she's done here. तुमने मुंबई की रानी और सरोजनी नायडू को खाना बनाना सिखा दिया है. I love her. I love you too. मैंने बनाई है तो मतलब मच्छी खाओ ना, मच्छी खाओ. ओके, गो फॉर गो फॉर. चलो दे, वाओ मच्छी देखो कितने अच्छे से गली है. हां, इट्स ब्यूटीफुल. नाइस, वेल डन, वेल डन. मम, ओ माय गॉड, यू आर मैंगलोरियन. आई एम, आई रियली एम. ओ माय गॉड, तो यम्मी. देखो फिश, दिस इज वेरी गुड. हम फिश इतने अच्छे से. व्हाट डिड यू डू?